वाह, कितना सारा कोक है। मैं अपने लिए सबसे बड़ा ले रहा हूँ। टॉम, तुम्हें कोक कहाँ से मिला? मुझे भी चाहिए। कितना अच्छा है कि अभी भी एक पूरी बोतल बाकी है। अरे, तुम्हारे पास कितना सारा कोक है। मुझे भी इतना सारा मिलता तो कितना अच्छा होता। कोई बात नहीं, मेरे पास एक कैन है। ये ठीक नहीं है और ये तो खुलना ही नहीं चाहती। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, रुक जाओ, मैं इसे वैसे भी खोल दूंगी। ओह, यह मुश्किल था लेकिन मैंने कर लिया। तुम्हारी वजह से हम सभी मीठे और चिपचिपे हो गए हैं। अरे हाँ, मुझे न्यूटेला पसंद है। मुझे भी ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास इतना छोटा कैन क्यों है? लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। देखो मुझे कितना बड़ा कैन मिला है। पर इसे खाऊं कैसे? हाँ, उंगली से। इस छोटे से जार में ये फिट हो जाएगा। न्यूटेला कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये बहुत स्वादिष्ट है। काश ये कभी खत्म नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य से सपना कभी सच नहीं होगा। हालांकि बॉटल अभी भी चाटा जा सकता है। अब ये बिल्कुल साफ है। सुनो टॉम, क्या तुम मुझे ट्राई करने दोगे? क्या? इसके बारे में सोचो भी मत। मैं चॉकलेट पेस्ट की इस ढेर को खुद ही खाऊंगा। लालची, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सबक कैसे सिखाना है। अभी तुम्हें कॉल की वजह से ध्यान हटाना होगा। इतनी देर से कौन फोन कर रहा है? सूजी? लेकिन तुम तो यहाँ हो। मैं एक भूत हूँ। बू! ये मैंने क्या किया? अब मेरा फोन चॉकलेट में तैरने लगेगा। मुझे उसे तुरंत बचाने की जरूरत है। शायद अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अब मेरे पास एक स्वादिष्ट आईफोन है। मेरे लिए भी न्यूटेला खाने का समय हो गया है, लेकिन मैं इसे दूसरों की तुलना में सही तरीके से खाना चाहती हूँ। मेरे पास एक नैपकिन और दस्ताने भी हैं। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। एकदम साफ। अब आईफोन नया जैसा लग रहा है। कितना अच्छा है। मैंने खा लिया और मेरे हाथ भी साफ है। अगर सूजी नहीं होती तो मेरा फोन चॉकलेट से बचा रहता, लेकिन मुझे पता है कि बदला कैसे लेना है। सूजी, क्या तुम्हें कुछ और चॉकलेट पेस्ट चाहिए? फिर ले लो। तुमने ये क्या कर दिया? तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया। टॉम, अब तुम नहीं बचोगे। मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं पूरी तरह से साफ हूँ। टॉम, तैयार हो जाओ, ये लो। ओ, ये थोड़ा साइड से निकल गया। ये किसने किया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लड़कियों, तुम्हारे चेहरे पर कितना सारा न्यूटेला है और कितना स्वादिष्ट है। इस बार क्या है? ओह, मुझे प्याज पसंद नहीं है। वे बहुत कड़वे हैं। मुझे इससे सख्त नफरत है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओह, मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे प्याज का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना पड़ेगा। लड़कियों, मैं एक लड़का हूँ, जिसका मतलब है कि मैं मजबूत और बहादुर हूँ। तो मैं इस प्याज से जल्दी निपट लूंगा। मुझे पता है कैसे करना है। ताड़ाम, बहुत आसान। सूजी, अब तुम्हारी बारी है। मेरे पास एक आइडिया है। पूरे प्याज को ना खाने के लिए इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। वाह, यह हो गया। लेकिन अब इसे खाना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है। प्याज को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। बेचारी सूजी, तुम क्यों रो रहे हो? दरअसल अभी तक पूरा प्याज खत्म नहीं हुआ है। मैं उम्मीद कर रही थी कि वे मेरे बारे में भूल गए होंगे। कहते हैं प्याज की आधी कड़वाहट उसकी महक में होती है। मुख्य बात गंध से छुटकारा पाना है। अब इसे खाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि बस कहने की बात है। बिना गंध के भी प्याज कड़वा होता है। तुम्हें अपनी नाक देखनी चाहिए। अब तुम एक जोकर की तरह लग रही हो। क्या हंसने वाली क्या बात है? ये जल्दी सामान्य हो जाएगा। ओह, ऐसा लगता है कुछ होने वाला है। ओह, रासायनिक हमला। हमें इस बदबू को बंद करना होगा। टॉम, मेरी मदद करो। हमने इस भयानक गंध को बेअसर कर दिया है। बहुत बढ़िया।
अब हमें क्या मिलने वाला है? बर्गर, मुझे ये बहुत पसंद है, खासकर जब वे इतने बड़े हो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसे देखने के लिए भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होती है। कोई बहुत बदनसीब है। हंसो हंसो, आओ देखो कि मैं कैसे हंसती हूँ जब ये पता चलेगा कि मेरा बर्गर सबसे स्वादिष्ट है। सच में स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। दूर हटो, मैं अपना बर्गर बिना किसी की मदद के खाऊंगा। अब मेरी बारी है, ठीक है चलो शुरू करते हैं। अजीब है, यहाँ सिर्फ सलाद है। मैं बस घास चबाने वाली बकरी नहीं हूँ, मुझे इस घास फूस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि टॉम इसे पसंद करेगा। देखो एक चिड़िया उड़ रही है, अब वो डाइट बर्गर खाने जा रहा है। अरे मेरे बर्गर में इतना सलाद क्यों है? लड़कियों क्या तुम इसे खाना चाहती हो? ये बहुत हेल्दी होता है, लगता है मुझे इसे खाना पड़ेगा। अब मेरे लिए लंच करने का समय हो गया है, लेकिन बर्गर बहुत बड़ा है, मैं उसे काट भी नहीं सकती। मुझे मेरी मदद करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सॉ चाहिए, वह बड़े से बड़े बर्गर को भी संभाल सकती है। तैयार, लेकिन खाने से पहले कुछ करना होगा। सॉस थोड़ा ज्यादा डालना होगा, इससे बर्गर और भी जूसी हो जाएगा। बस अभी के लिए इतना ही, अब खाने का समय है। ओ, क्या स्पीड है। कैंडी बस हमें मत खाओ, मेरा पेट भर गया है, अब कोई बर्गर नहीं आने वाला है, मैं डाइट पर हूँ। लड़कियों मुझे लगता है कि वहाँ कुछ स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, कितनी खराब बदबू आ रही है, मुझे इस चीज से नफरत है। मुझे पकड़ो, मैं गिर रही हूँ, इसके गंध से मुझे चक्कर आ रहे हैं। शायद इसकी इतनी खराब गंध आ रही है, चलो पता करते हैं। नहीं ये बहुत घटिया है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है, मैं इसे नहीं खा पाऊंगी। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो चीज खाकर खुश होता है। बोन एपिटिट मिस्टर पिंकी। टॉम रोना बंद करो, ये खाने का समय है। लड़कियों मेरी हिम्मत बढ़ाओ, मुझे ये करना है। ये बहुत भयानक था, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता था। चूहा कहाँ से आया? चुप, ये मिस्टर पिंकी है, वो खाने के बाद की झपकी ले रहा है, अब उसके जाने का समय हो गया है। मैं इतना बड़ा टुकड़ा नहीं खा सकती, इसलिए इसे टुकड़े में करने होंगे। अब आराम हो गया, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे स्वादिष्ट होगा। क्या अत्याचार है, कितना खराब। छी, मैं सहमत हूँ, असली अत्याचार यह हुआ कि तुमने खाया और हम सबको भुगतना पड़ रहा है। मेरे पास बड़ा कैंडी स्किटल्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे जल्दी से खत्म कर दूंगी। मुझे भी एक टुकड़ा दो। शुभ लालची, आओ देखे कि तुम टबैस्को सॉस के साथ कैंडी खाना कितना पसंद करती हो। देखो वहाँ बहुत सारे कैंडी हैं। कहाँ पे? तुम कितनी भोली हो, चलो देखे कि मेरा मजाक कैसे काम करता है। अपनी सरप्राइज कैंडी जल्द खत्म करो। ओह, ये इतना तीखा क्यों है? ऐसा लगता है कि यह गर्मी हो रही है, तुम बिना पानी के नहीं रह सकती। अब स्कीटल्स खाने की मेरी बारी है, मैं इसे अपने हाथ की सफाई से खाऊंगा। ओह, मदद करो, ये मेरे गले में अटक गया है। यह बिना किसी सामान के मुश्किल है, ये लो। हो गया, शाबाश कैंडी, तुमने अच्छे से किया, ये काम कर गया। अब केवल मेरी बची है, मुझे यकीन है कि सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हाँ, यहाँ एक मैसेज है, ये क्या है? वाह, यह केवल स्किटल्स नहीं है बल्कि एक असली जैकपॉट है। देखो मेरे पास कितना पैसा है, अब मैं अमीर हूँ। हाँ हाँ, नॉम को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी चुनौतियों को मिस ना करें, ये हमेशा मजेदार होता है।